ओम शांति। और आज हम बात कर रहे हैं 18 मई के, 18 मई के ईश्वरीय वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हर समस्या को पार करें एक महावीर बन करके। हम बहानेबाजी ना करें, क्योंकि जो योद्धा होता है, महावीर होता है, जो कभी हार नहीं खाता, वो बहाने नहीं मारता कि मेरी तलवार थोड़ी सी फिसल गई हाथ से, या मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करी थी अच्छी से, या मैं थोड़ा सा थका हुआ था। ये चीज़ें महावीर के सामने नहीं आ सकती हैं, क्योंकि युद्ध के समय में या तो जीत है या पराजय है। तो अगर पराजय हुई तो शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं ये जीत है अंदरूनी जीत और अंदरूनी हार, मन में अंदर की जीत और अंदर की हार। या तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत से या तो हम हार खा लेते हैं, उनको हम अपना बना लेते हैं, या तो फिर हम ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी और शक्ति को अपना बना लेते हैं। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले सदा निर्भय और विजयी भवा। हाय ये क्या हो गया, हाय ये सिचुएशन कैसे आ गई, अरे इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, हाय मैंने तो ये सोचा नहीं था, क्यों कर दिया उसने मेरे साथ, इसमें कहाँ से ये बात आ गई, तो क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किसने, ये सारी चीज़ें महावीर के बहानों में नहीं आती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो महावीर है वह कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे, करना ही पड़ा, शॉर्टकट मारना ही पड़ा, गलत तरीका अपनाना ही पड़ा। गलत तरीके से काम तो बन गया ना, लेकिन गलत तरीका गलत हुआ, काम बनाया आपने लेकिन हमने इस्तेमाल किया अवगुणों को उस काम को पूरा करने के लिए, तो हमारी हार हुई। काम भल हो गया लेकिन हमारी ओवरऑल हार हो गई। हमने अपनी आत्मा की सत्यता को, पवित्रता को हमने खो दिया। हमने अपने ही आप को रावण के हाथ में, शैतान के हाथ में बेच दिया। तो जीत तो हुई नहीं ना। तो परमात्मा कहते हैं समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई, ये महावीर कह नहीं सकते। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। कहना नहीं चाहते थे, मुख से निकल गई, हम प्यार से बात करना चाहते थे, अचानक से बड़ी आवाज़ में मैंने बोल दिया गुस्से में आकर के, और सारा काम बिगड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को बड़ी ईर्ष्या हो रही थी उस व्यक्ति के साथ में, उसके पास में, उसने कुछ मेहनत नहीं करी, उसको इतना सब कुछ मिल गया, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन फिर भी मैं यहीं अटका हुआ हूँ। तो मैंने कुछ उसको नुकसान कर दिया झूठ बोल करके, या मैंने उसके ग्राहक छीन लिए झूठ बोल करके, ये महावीर नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसते हैं, अटक नहीं जाते कहीं पर, उनके जीवन की नैया वहाँ नहीं फंस जाती है। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से, मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते। उदास मतलब उसका दास, किसी व्यक्ति का दास हो गया, किसी सिचुएशन के दास बन गए, कुछ अपने अनुसार नहीं चला तो उसके दास बन गए, कोई चीज़ खराब हो गई उसके दास बन गए, तो उनका व्यक्ति वैभव वस्तुओं से लगाव नहीं होता है, इसलिए वो ऊ का दास नहीं, उसका दास नहीं बनते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, तो वो बेफिक्र बादशाह होते हैं, निश्चिंत होते हैं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं, वो एकदम आत्मा अभिमान में रहकर के कर्म करते हैं, ना कि देह अभिमान में। तो उनको निश्चिंत रहने की आदत पड़ जाती है। आप भी कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, इसके लिए आत्माभिमानी स्थिति है क्या, कैसे उस चीज़ को हम और आगे बढ़ाएं, इसके बारे में आप ब्रह्म कुमारी में आकर के सीख सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।